बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। शपथ के बाद प्रधानमंत्री मोदी का पहला फैसला आखिर क्या है? वो है शहीदों के बच्चों को स्कॉलरशिप के पैसे में इजाफा। शपथ के बाद प्रधानमंत्री का पहला फैसला शहीदों के नाम, जो पुलिस पर्सनल, जो तमाम शहीद होते हैं हमारे देश के लोग, उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का पैसा बढ़ाया गया है। नेशनल डिफेंस स्कॉलरशिप की रकम बढ़ा दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लड़कियों के लिए 2,250 से बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया गया है यह पैसा। एक बड़ा कदम, न सिर्फ शहीदों के नमन के साथ इसकी शुरुआत है, बल्कि इस जज्बे के साथ कि जो देश के नाम पर शहीद होता है उनके परिवारों का ख्याल सरकार रखेगी, उनके बच्चों की पढ़ाई का ध्यान सरकार रखेगी। जी हां, एक्शन में सरकार। एक तरफ कैबिनेट की बैठक चल रही है, कैबिनेट की बैठक से क्या बड़ा फैसला आ सकता है इसका करिए इंतजार, क्योंकि ये वो फैसला नहीं है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो के मुताबिक एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद एक बड़ा फैसला आज कैबिनेट की बैठक के बाद आ सकता है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री ने काम करते हुए जो पहला फैसला लिया है उसमें उन्होंने शहीदों के परिवार वालों के लिए, जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप की रकम बढ़ा दी है। नेशनल डिफेंस फंड के तहत ये स्कॉलरशिप बढ़ाई गई है। आपको बता दें, जिस दिन प्रधानमंत्री को अपनी शपथ भी लेनी थी उस दिन भी उन्होंने सुबह की शुरुआत अगर महात्मा को श्रद्धांजलि देकर, अटल को श्रद्धांजलि देकर की थी, तो उसके बाद वो फॉरन वॉर मेमोरियल गए थे, वहां शहीदों को नमन किया था। एक साफ संदेश कि ये देश अपने शहीदों के परिवार वालों का ख्याल रखे।